दोस्तों ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू या रेंज रोवर, इन कंपनीज के साथ तो हमारी कई सालों से जान पहचान है। इन कंपनीज की ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों को हम लग्जरियस एंड एक्सपेंसिव की कैटेगरी में गिनते हैं, क्योंकि इन कार्स को बनाते वक्त कई सारे चीजों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि कार की डिजाइन यूनिक एंड अट्रैक्टिव होनी चाहिए, कार में इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना और साथ में कार को लग्जरियस टच देने के लिए कई सारे प्रीमियम चीजों पर ध्यान देना। आमतौर पर जब भी हम किसी के पास ये लग्जरी कार्स देखते हैं, तब हमारे ऊपर उनके हाई क्लास का और रिच स्टेटस का इम्प्रेशन पड़ता है। बेसिकली इसी एक पर्पस की वजह से लोग इन लग्जरी कार्स को खरीदते हैं और सेम इसी पर्पस की वजह से कंपनीज इन लग्जरी कार्स को बनाती है। पर दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये ब्रांडेड लग्जरियस कार इंडिया में इतनी एक्सपेंसिव क्यों होती है अगर हम इन्हें कंपेयर करें बाकी कंट्रीज के साथ? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में एक ना एक फैक्टर को डिस्कस करेंगे। तो वेलकम टू आवर चैनल द यूट्यूबर, जहां पर हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी आर ट्राइंग टू रीच 1000 सब्सक्राइबर्स एंड इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट योर हेल्प, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, सबसे पहला फैक्टर या रीजन जिनकी वजह से ये लग्जरी कार्स इंडिया में इतनी एक्सपेंसिव होती है, वो है कि इन लग्जरी कार्स पर लगाई जाने वाली इंपोर्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस। दोस्तों, जब भी कोई लग्जरी कार इंडिया में इंपोर्ट की जाती है, तब उसके ऊपर सिग्निफिकेंट इंपोर्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस को इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज किया जाता है। इन ड्यूटीज और टैक्सेस में पाए जाते हैं सबसे पहले कस्टम ड्यूटी टैक्सेस। ये कस्टम ड्यूटी तब भरनी पड़ती है जब कोई चीज इंडिया में इंपोर्ट होती है, और ये लग्जरी कार्स जनरली हायर कस्टम ड्यूटीज ब्रैकेट्स के कैटेगरी में आती है। इसका मतलब इन कार्स को भारी मात्रा में एक अमाउंट पे करनी पड़ती है एज अ ड्यूटी। दूसरा टैक्स होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, मतलब जीएसटी। जीएसटी तो इंडिया में भेजे जाने वाले सारी चीजों पर इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, और इन लग्जरी कार्स के ऊपर रेगुलर कार से अगर कंपेयर किया जाए तो हाई जीएसटी रेट होता है, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट और भी बढ़ती है। इस जीएसटी के साथ कुछ एडिशनल सेस भी अप्लाई होते हैं। जैसे कोई लग्जरी कार उसके प्राइस के बेस पर किसी हायर टैक्स रैकेट के कैटेगरी में आती होगी, तब उस पर कुछ एडिशनल सेस भी अप्लाई होते हैं। और आखिरी टैक्स होता है रजिस्ट्रेशन टैक्स, जहां पर इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स इन लग्जरी कार्स के ऊपर अपने स्टेट्स के वैल्यूएशन और एक्सपेंस के बेस पर इन रजिस्ट्रेशन टैक्स को इम्पोज करती है। दोस्तों, ये लग्जरी कार्स इम्पोर्ट करते वक्त CBU होती है या CKD होती है, इनके ऊपर भी ये टैक्स डिपेंड करते हैं। मतलब अगर कोई लग्जरी कार ओवरसीज से ही असेंबल होकर इंडिया में इम्पोर्ट की गई हो, तो वो कार CBU यानी कि कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट की कैटेगरी में होती है, जिसके ऊपर हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इम्पोर्ट ड्यूटीज लगाई जाती है। और अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया में इंपोर्ट करने के बाद उस कार को असेंबल करती है, तब वो कार CKD यानी कि कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट्स की कैटेगरी में आती है, जिसके ऊपर CBU के कंपेरेटिव कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इम्पोर्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं। दोस्तों, इन सारी इम्पोर्ट ड्यूटीज और टैक्सेस के बाद दूसरा रीजन जिनकी वजह से ये लग्जरी कार्स इंडिया में एक्सपेंसिव मिलती है, वो है कि इन लग्जरी कार्स का इंडिया में होने वाला लिमिटेड मार्केट। दोस्तों, इन लग्जरी कार्स का इंडिया में मार्केट बहुत कम है अगर हम इसे कंपेयर करें टू द कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स एंड जर्मनी, जहां पर इन लग्जरी कार्स का मार्केट रिलेटिवली बहुत ज्यादा है। तो लो सेल्स वैल्यू मतलब मैन्युफैक्चरर्स को इन कार्स की प्राइस ज्यादा रखनी पड़ती है उनकी कॉस्ट को कवर करने के लिए, जिसमें उनकी मार्केटिंग और डीलरशिप के भी एक्सपेंसेस आते हैं। अभी हो गया दूसरा फैक्टर जो है इन कार्स का इंडिया में होने वाला लिमिटेड मार्केट। अब तीसरा फैक्टर आता है कि इंडिया के सेफ्टी मेजर्स एंड इमिशन स्टैंडर्ड्स का। यहाँ पर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को इंडिया में कार लॉन्च करने से पहले इंडियन कंडीशंस के मुताबिक सेफ्टी मेजर्स अपने कार में ऐड करने पड़ते हैं, साथ में इंडियन गवर्नमेंट के इमिशन स्टैंडर्ड रूल्स के अनुसार अपनी कार्स में चेंजेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर इंडिया में अपनी कार लॉन्च करना चाहती है, तो उन्हें इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रूल्स के अनुसार अपनी कार का इंजन BS6 कंप्लायंट बनाकर उसके अनुसार इंजन में चेंजेस करने पड़ते हैं, और इन सारी मॉडिफिकेशंस को लगने वाली ओवरऑल कॉस्ट को कार की प्राइस में ऐड किया जाता है। अब अगला फैक्टर है जिसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मतलब जब भी कोई लग्जरी कार इंडिया के लिए शिपिंग की जाती है, तब उसको लगने वाला ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और उसका एक्सपेंस मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर द्वारा सेपरेटली पे किया जाता है। ये सारी कॉस्ट कार की प्राइस में ऐड करने के बाद उसकी फाइनल प्राइस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब एक आखिरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें ऐड होता है, वो है एक्सक्लूसिविटी एंड ब्रांड वैल्यू। सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही पर खेला जाता है, क्योंकि लोग इन लग्जरी कार्स को इसीलिए खरीदते हैं ताकि वो सोसाइटी में या दुनिया की नजर में अपना एक रिच स्टेटस सिंबलाइज कर सके, और इन लग्जरी कार्स को खरीदने के लिए लोग एक प्रीमियम प्राइस पे करने के लिए भी रेडी होते हैं। अब एक और फैक्टर को यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है, वो है कस्टमाइजेशन ऑप्शन।
लेकिन ये कस्टमर पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर कस्टमर चाहे तो वो अपनी लग्जरी कार में कुछ कस्टमाइजेशंस भी कर सकता है और कुछ यूनिक फीचर्स को भी ऐड कर सकता है, जिसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ती है। चलिए दोस्तों, तो यही थे सारे फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं लग्जरी कार्स को एक्सपेंसिव बनाने के लिए। इन सारे फैक्टर्स को मिलाने के बाद कुछ लोगों के लिए ये कार एक लग्जरियस इन्वेस्टमेंट भी बन जाती है। चलिए दोस्तों, तो खत्म करते हैं आज के इस टॉपिक को यही पर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने इस टॉपिक को एंजॉय किया तो लाइक करें इस वीडियो को और साथ में सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द यूट्यूबर को। और अगर आपको कोई सवाल होगा या कोई ऐसा टॉपिक होगा जो आप चाहे हम उसके बारे में वीडियो बनाए, तो प्लीज लीव देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एक्साइटिंग कॉन्टेंट। बाय।